चैप्टर 14 में ही हम आते हैं वोकैबुलरी पोर्शन में. गिव द ऑपोजिट वर्ड्स. अब आपको ऑपोजिट वर्ड्स करने हैं ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज अ बोल्ड. बोल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंसान. शी इज़ अ वेरी बोल्ड. ही इज़ अ वेरी बोल्ड. बोलते नहीं है कावर्ड, उसी का मतलब हो गया एकदम कायर टाइप इंसान. एक बोल्ड होता है जो बोलने में कोई संकोच नहीं करता, एक होता है बिल्कुल कायर टाइप होता है, उसको डर लगता है, बोलेगा ही नहीं. नेक्स्ट है कंक्लूडेड मीन्स बिगिन. कंक्लूडेड मतलब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना और ये बिगिन स्टार्ट. इन्जॉय तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं ना, तो बोर. फ्रैंक शाय. फ्रैंक होते हैं कुछ लोग फटाफट किसी भी बात कर लेंगे, कुछ लोग बहुत शर्मीले होते हैं ना, शाय. इनोसेंट गिल्टी. इनोसेंट मीन्स निर्दोष, गिल्टी मतलब गुनहगार. नीव इसको बोलेंगे एंजल, एक तरह से धूर्त इंसान या दुष्ट इंसान. एंजल हो वो पता ही, एंजल क्या होता है. ब्लंट शार्प. ब्लंट मीन्स जिसमें शार्प धार ना हो, शार्प धार. ओके, मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स. फेस्ट है एग्जैक्टली मीन्स एक्यूरेटली. स्ट्रेंज. स्ट्रेंज का हमारा क्या होगा, स्ट्रेंज होगा पैसेलेयर. कोई भी चीज़ अलग सी होती है ना, विशेष लगे, स्ट्रेंज अलग सी. पजल तो पजल का होगा रिडल. डिस्टेंस स्पेस. डिस्टेंस दूरी, स्पेस भी दूरी. स्टूपिड तो डल. जोक सो जेस्ट. हाउस रेजिडेंस. क्लेवर स्मार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें आपको WH मतलब एक क्वेश्चन मार्क, मतलब वेयर, वाई, ठीक है, व्हाट, इनका यूज़ करना है. तो फिर पहला है वेयर डू यू वांट टू गो. तुम कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप लिखना लिखोगे. तो लिखोगे पहले आई वांट टू गो दिल्ली, लखनऊ, ताजमहल. या कोई चीज़ देखनी तो आई वांट टू गो. आई वांट टू गो टू सी, SEE. फिर यहाँ पर लिख लेना टू. फिर आप लिखना SEE द ताजमहल. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉन्ट टू गो टू सी द ताजमहल. वाई इज़ योर टीचर एंग्री, बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट माय वर्क. क्योंकि आपका वर्क कंप्लीट नहीं था. तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन का आंसर करना है. हु इज़ नॉकिंग एट द गेट. तो कौन गेट कर रहा था, माई अंकल इज़ नॉकिंग एट द गेट, या माई लिटिल सिस्टर इज़ नॉकिंग एट द गेट. ठीक है, वेयर इज़ योर फादर, माई फादर इज़ इन मार्केट. या कहाँ, मतलब पूछा वेयर इज़ योर फादर, आपके फादर कहाँ हैं, आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है. ही इज़ इन मार्केट, या माई फादर इज़ इन मार्केट, या माई फादर इज़ इन फार्म बोल दो, या फील्ड बोल दो, क्योंकि खेतों पर गए हैं. ठीक है. What does your father deal in?